नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि आज जो है हमारी हिंदी साहित्य की जो रचनाएं हैं और उनके प्रमुख रचनाकार उस पर आधारित हमारा वीडियो आएगा और आज हमारा पहला वीडियो है। दो क्लास में हम जो है इस टॉपिक को खत्म करेंगे। आपको बता दूं कि 3 से 4 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और हमको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से देखना है। और मैं बता दूं कि मैं आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट चीजें ही बताऊंगा, सभी रचनाओं को हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही रचनाओं को याद करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों, क्योंकि यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार की, तो आपको मैं बता दूं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग रचनाकार आए हैं, उनकी भाषा शैली अलग रही है, ठीक, उनकी जो विषय वस्तु है वो अलग अलग रहा है। तो इसी प्रकार से जो है हिंदी साहित्य की जो रचनाएं हैं और जो रचनाकार हैं उनको अलग अलग जो है कालखंड में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार हैं, इनका जो कालखंड है वो क्या है। जब हम कालखंड को अच्छे से समझ लेंगे तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहे, क्योंकि मैं आपको क्लास में ही याद करवाने वाला हूं चीजें, ठीक है। सबसे पहले हम जो है कालखंड को समझते हैं। तो जब हिंदी साहित्य की बात आती है तो दोस्तों हिंदी साहित्य को 4 भाग में बांटा गया, 4 काल में जो है बांटा गया है। पहला जो हमारा है वो है आदिकाल। पहला क्या है? आदिकाल। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है हमारा भक्तिकाल। दूसरा क्या है? भक्तिकाल। और जो तीसरा है वो है रीतिकाल। तीसरा क्या है दोस्तों? रीतिकाल। और जो चौथा है वो है हमारा आधुनिक काल, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनका समय क्या क्या था। तो आदिकाल का जो समय था वो था 1050 से लेकर के 1375। क्या था? 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत। क्या था? विक्रम संवत। अब भक्तिकाल की बात कर लेते हैं दोस्तों। भक्तिकाल जाहिर सी बात है कि ये 1375 के बाद शुरू हुआ होगा। तो 1375 से लेकर के आपका जो 1700 तक है, 1700 विक्रम संवत तक जो है ये आपका भक्तिकाल था। अब रीतिकाल की बात कर लेते हैं दोस्तों। रीतिकाल जो है वो 1700 से प्रारंभ होकर के 1850 तक जो है ये आपका रीतिकाल था। क्या था? रीतिकाल, विक्रम संवत, ठीक। अब आधुनिक काल जो था 1850 से लेकर के अब तक, ठीक है, 1850 से लेकर के उसके जो बाद का समय है, ठीक है, उसके जो बाद का समय है वही आपका जो है आधुनिक काल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक काल थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इस क्लास में हम लोग इन तीनों काल को जो है कवर करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इस क्लास में हम इन तीनों को पढ़ेंगे। अगला नेक्स्ट क्लास में हम केवल और केवल आधुनिक काल को देखेंगे, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन अधिक बनता है। ऐसा नहीं है इससे नहीं बनता, मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन इससे बनेगा तो 2 क्वेश्चन इससे भी बनेगा, ठीक है। तो आज हम जो है केवल इन तीनों काल को जो है कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात आती है आदिकाल की। सबसे पहले क्या बात आता है आपका? आदिकाल। आदिकाल, जब हम आदिकाल की बात करते हैं तो इसका समय आप सभी जानते हैं कि 1050 से लेकर के 1350 जो है विक्रम संवत, ये इसका समय हो गया। अब आदिकाल को जो है दोस्तों और भी कुछ नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो भैया वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि आदिकाल को और किस नाम से जो है जाना जाता है। तो वीर गाथा काल से जो है आदिकाल को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो इस काल में जितनी भी रचनाएं हुई हैं उसमें वीर गाथाओं का जो है अधिक वर्णन है, ठीक है। जो इसकी विषय वस्तु रही है वो वीर गाथाओं पर जो है ज्यादा आधारित रही है, इसीलिए जो है इस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से रचनाकार हुए हैं भैया और उनकी रचनाएं क्या हुई हैं, ठीक है, रचनाकार और रचना, ठीक। चलिए पहले जो इसमें हमारे रचनाकार है वो है सरहपा। सरहपा, इनकी जो रचना थी वो थी दोहा कोश। क्या था? दोहा कोश। शॉर्ट नोट्स तैयार करते जाइएगा सभी बच्चे। अब्दुल रहमान। अगले कौन है भैया रचनाकार? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की जो रचना थी वो थी संदेश रासक, ठीक है। अगले जो रचनाकार है वो है नरपति नाल। इनकी जो रचना थी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बिसल देव रासो, ठीक है। चलिए अगले कौन थे भैया? चंद्रबरदाई। इनकी क्या रचना थी? बहुत ही फेमस है, आप सभी जानते होंगे, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वी
राज रासो। अगले कौन है रचनाकार, तो आपके हैं जगनिक। जगनिक की कौन सी रचना है भैया, परमाल रासो। परमाल रासो ठीक। अगले कौन रचनाकार है, दलपति विजय। दलपति विजय, दलपति विजय का जो रचना है वो है खुमान रासो ठीक है। अगला कौन से है भैया रचनाकार, शार्ग्धर। शार्ग्धर की जो रचना है वो है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो, हम्मीर है ठीक है, आधा म पूरा म और उस पे बड़ी की मात्रा ठीक है। चलिए अगले कौन है, नलसिंह। नलसिंह ने कौन सी रचना लिखा था, तो भैया विजय पाल रासो। विजय पाल रासो ठीक है। अगले कौन है, माधव दास चारण। माधव दास चारण, इन्होंने राम रासो लिखा था। इन्होंने क्या लिखा था, राम रासो। इसी के साथ हमारा आदिकाल समाप्त होता है ठीक है। ये जो हमारा ये तीनों ही जो काल है, इसमें भक्ति काल थोड़ा बड़ा होगा, रीति काल भी है थोड़ा सा, क्योंकि इसके तीन पार्ट्स हैं। भक्ति काल के दो है, निर्गुण और सगुण ठीक है, और उसके भी दो दो हैं, तो ये हमारा सबसे छोटा है, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा है, ये हमारा जो सबसे बड़ा काल है। तो दोस्तों सरहपा ने क्या लिखा था, दोहा कोश। अब्दुल रहमान ने क्या लिखा था, संदेश रासक। नरपति नाल ने क्या लिखा था, बिसल देव रासो। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोहा कोश इंपॉर्टेंट है। चंद्र बरदाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। उसके बाद जगनिक ने क्या लिखा था भैया, परमाल रासो। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो है अच्छे से याद कर जाइएगा ठीक है। दलपति विजय ने क्या लिखा था भैया, खुमान रासो ठीक। शार्ग्धर ने क्या लिखा था, हमीर रासो। नल सिंह ने क्या लिखा था, विजय पाल रासो। राम रासो, राम रासो किसने लिखा था, तो माधव दास चारण ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा जो है आदिकाल समाप्त होता है। अब हम देखते हैं भक्ति काल को। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा हेडिंग भक्ति काल। दूसरा हमारा जो काल आता है हिंदी साहित्य में वो है भक्ति काल। दोस्तों भक्ति काल को जो है हम दो भाग में बांटते हैं। भक्ति काल को हम कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में ठीक। ध्यान दीजिएगा, भक्ति काल को हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं। हिंदी साहित्य का पूछ दे क्वेश्चन कि स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो भैया भक्ति काल को ही जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है ठीक है। चलिए भक्ति काल के कितने विभाजन हो गए भैया, दो विभाजन। कौन कौन सी, निर्गुण, निर्गुण काव्यधारा, और एक है हमारा सगुण, सगुण काव्य धारा ठीक है। दोस्तों अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि परीक्षा में कुछ ही दिन शेष रह गए, तो हम अभी बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे चीजों को, केवल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय जो है वो बहुत ही कम है। दोस्तों निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा, ये जो है दो भाग में हम भक्ति काल को विभाजित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के भी दो दो भाग हैं। कौन कौन से भैया, चलिए निर्गुण काव्यधारा में जो है पहला जो हमारा है वो है ज्ञान श्रेय, ज्ञान श्रेय शाखा ठीक है। ये दोनों के ही जो है दो दो शाखाएं हैं। निर्गुण काव्यधारा की जो पहली शाखा है वो है ज्ञान श्रेय शाखा, दूसरी जो है वो प्रेमाश्रय शाखा ठीक। चलिए अब इनका भी देख लेते हैं भैया, सगुण काव्यधारा के भी दो शाखाएं हैं, कौन कौन से हैं। एक है हमारा पहला जो है वो है कृष्ण भक्ति ठीक, कृष्ण भक्ति शाखा। दूसरा जो है राम भक्ति शाखा। चलिए इनको हम जान लेते हैं कि इसमें आखिर फर्क क्या क्या है। जो ज्ञान श्रेय शाखा है दोस्तों, जो ज्ञान श्रेय शाखा है इसमें जो है अंधविश्वासों को खत्म करने की बात करी गई है, और जीवन के वास्तविकता को जो है बतलाया गया है। साथ ही साथ जो है आपको बता दूं, इसमें जो है ईश्वर से ठीक है, ईश्वर से जो है प्रेम के बारे में जो है कि बात करी गई है, और जितना भी मोह माया है हमारे जीवन में उनसे जो है दूरी बनाने के लिए जो है प्रेरित करता है इसमें जितनी भी काव्यधाराएं ठीक है। प्रेमाश्रय शाखा में क्या है कि ये लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम को पाने का जो है मार्ग बताता है ठीक है। लौकिक प्रेम मतलब कि लौकिक क्या होता है, जो इस संसार से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। अलौकिक क्या होता है, जो इस संसार के परे हो। तो यानी कि इस संसार से जुड़ करके प्रेम करके जो है जिस भगवान को, जिस ईश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में जो है यहाँ पे काव्य। अच्छा काव्य आप सभी जानते होंगे, काव्य किसे कहते हैं, काव्य किसे कहते हैं, ऐसे जिसे गाया जा सके ठीक, जिसे गाया
जा सके, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। भैया ये एक जो है आपके परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। प्रेमाश्रय शाखा दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें जितने भी कवि आते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सूफी संत कहते हैं। क्या कहते हैं? सूफी संत कहते हैं, ठीक है। चलिए ज्ञानश्रय शाखा में हम देख लेते हैं कि भैया इसमें कौन कौन से जो है आपके जो रचनाकार है वो आते हैं। सबसे पहले आते हैं भैया आपके कबीरदास, कौन है? कबीरदास, ठीक। दूसरे कौन है? तो मलुकदास। तीसरे कौन है भैया? रैदास, ठीक है। प्रेमाश्रय शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी सबसे पहले आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरे हमारे उस्मान, ठीक है। चलिए अगला है हमारा भैया ये कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में दोस्तों सबसे पहले आपके आते हैं विद्यापति। विद्यापति जो है इस शाखा के प्रधान है। सगुण काव्य धारा में जो है ऐसा माना जाता है कि जो विद्यापति है वो जो है इसके प्रथम जो है कवि माने जाते हैं। विद्यापति के बाद आपके आते हैं सूरदास, ठीक, रस खान और मीराबाई, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक और है, वो है रहीम, ठीक है। इनको आप जो है इस तरीके से जब आप कालखंड में जब इनको आप विभाजित करके इस तरीके से लिखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगा। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भैया ये कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि जो विद्यापति हैं ये किस भक्ति शाखा के जो है कवि थे, तो आपको पता होना चाहिए ना कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। पता होना चाहिए कि सूरदास जो है ये किस भक्ति के जो है किस भक्ति शाखा के ये कवि थे, तो आपको पता होना चाहिए कृष्ण भक्ति शाखा। अच्छा, ये कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा क्या है, तो आपको बता दो कृष्ण भक्ति शाखा में जितने भी कवि हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जो है अपना क्या माना विषय, मतलब भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही उनका जो है जो काव्य था वो वर्णन करता था। और राम भक्ति शाखा में इसके अपोजिट जो है राम, श्री राम जी के बारे में जो है उनकी काव्य रचनाएं जो है मतलब उन पर जो है केंद्रित थी, ठीक है। चलिए राम भक्ति शाखा में कौन कौन से है, तो तुलसीदास पहले नंबर पर आते हैं, तुलसीदास। दूसरे नंबर पर है ईश्वरदास, ठीक है। फिर कौन है, तो विष्णुदास। अगले हैं विष्णुदास और फिर अंत में है रामानंद, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बारी बारी हमको पढ़ना है। पहले हम ज्ञानश्रय शाखा को देखेंगे, उसके बाद हम प्रेमश्रय शाखा को देखेंगे, फिर हम इन दोनों को देख करके हमारा जो भक्ति काल है उसे हम समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम निर्गुण काव्य धारा को जो है देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा निर्गुण काव्य धारा, और इसके जो है दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से, ज्ञानश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, ठीक है। सबसे पहले हम ज्ञानश्रय शाखा के जितने भी आपके रचनाकार हैं उनको देखते हैं। तो दोस्तों एक तरफ हम लिखेंगे रचनाकार, एक तरफ लिखेंगे रचना, ठीक है। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे इसमें रचनाकार है वो है कबीरदास, और कबीरदास की रचनाएं जो है वो है साखी, सबद, रमैनी। दूसरे जो हमारे रचनाकार हैं वो है मलुकदास। मलुकदास की जो रचनाएं हैं वो है ज्ञानबोध, ज्ञानबोध, ब्रजलीला और फिर है राम अवतार लीला और फिर बारह खड़ी। क्या है? बारह खड़ी जो है ये इनकी चार जो है प्रमुख रचनाएं हो गई, ठीक है। अगले कौन से भैया? रैदास। अगले कौन है? रैदास। तो रैदास की जो रचनाएं हैं एक ही है, रैदास की वाणी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका मलुकदास और कबीरदास की रचना, ठीक है। रैदास की रचना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दोनों की रचनाएं जो है जरूर से याद कर जाइएगा। प्रेमाश्रय शाखा में जो है जो हमारे पहले रचनाकार हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की जो सबसे प्रमुख रचना है आप सभी जानते होंगे कौन सी है, तो पद्मावत, पद्मावत, ठीक। उसके बाद कौन सी भैया? अखरावट। आखिरी कलाम, ठीक।
पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको जो है जरूर से देख जाइएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचनाएं हैं। अगला कौन सा है, तो उस्मान। उस्मान की एक ही रचना है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चित्रावली। कौन सी भैया? चित्रावली। इसी के साथ जो है हमारा जो निर्गुण काव्य धारा की जो रचनाएं और उसके रचनाकार हैं वो समाप्त होता है। अगला हमारा सगुण काव्य धारा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सगुण काव्य धारा जो है इसकी दो शाखाएं हैं। कौन 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 सी? कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में जो है जो हमारे पहले जो रचनाकार हैं दोस्तों वो है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। विद्यापति की जो रचनाएं थी वो थी पदावली, और दूसरी है सुंदरकांड, और तीसरा है मेघदूत। ये मेघदूत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेघदूत कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा सूरदास। सूरदास की जो रचनाएं थी कौन कौन सी थी आप सभी जानते होंगे, सुर सागर, सुर सरावली, ठीक है। अगला है हमारा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, और फिर है गोवर्धन लीला, और अगला है सुर सागर सार। सुर सागर सार। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी रचना में अगर सुर आ जाए, किसी भी रचना में अगर सुर आ जाए तो वहां पे आपका जो रचनाकार होंगे आपके कौन होंगे? सूरदास होंगे। इसके अलावा साहित्य लहरी आप याद कर लीजिए, गोवर्धन लीला, बस सूरदास की यही रचनाएं जो है प्रमुख रूप से मौजूद है, ठीक है। चलिए रस खान। रस खान दोस्तों, रस खान की जो रचना है वो है प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। ठीक है, ये तो इनके नाम से ही हो गया, प्रेम वाटिका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला हमारा मीराबाई। मीराबाई ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? तो इनका सभी रचनाएं जो है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहला है राग गोविंद, और दूसरा है गीत गोविंद। गीत गोविंद ज्यादा इंपॉर्टेंट, गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका है ये, ठीक है। गीत गोविंद को तो जयदेव ने लिखा है लेकिन गीत गोविंद की टीका जो है वो मीराबाई ने लिखा है, ठीक है। अगला है हमारा चरित, और लास्ट है मीराबाई जी का रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल, ठीक है। चलिए अगले जो हमारे रचनाकार है वो है रहीम, और इसी के साथ हमारा जो कृष्ण भक्ति शाखा है वो समाप्त हो जाएगा। रहीम ने लिखा है दोस्तों, रहीम ने लिखा है बरैवे, नायिका भेद, और नगर शोभा, और आखिरी श्रृंगार सत्सई। श्रृंगार सत्सई, ठीक है। चलिए अब राम भक्ति शाखा को भी जो है देख लेते हैं। इसमें जो आपके पहले जो रचनाकार हुए एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले विद्यापति ने क्या क्या लिखा है? पदावली, सुंदरकांड, मेघदूत, तीन है, ठीक है, जिसमें से कि आपका मेघदूत बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरदास ने कौन कौन से लिखा है? सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, एक दो तीन चार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, ये तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रस खान का प्रेम वाटिका बहुत इंपॉर्टेंट है, सुजान रस खान पूछा गया है लेकिन इसमें चूंकि रस खान का नाम है तो ये आसान हो जाता है, इसलिए ज्यादातर प्रेम वाटिका पूछता है। मीराबाई का जो है याद कर लीजिएगा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, ये बड़ा पूछता है, बच्चे कंफ्यूज भी हो जाएंगे, गीत गोविंद देख करके जयदेव मार देंगे, लेकिन गीत गोविंद की टीका लिखा है मीराबाई ने, ठीक है। रुक्मणी मंगल चरित कम लिखा, कम पूछा है लेकिन चूंकि इन्होंने लिखा है, भैया हमको याद करना है, ये जो है प्रमुख रचनाकार है कृष्ण भक्ति शाखा के। रहीम ने क्या लिखा है? बरैवे, नायिका भेद, नगर शोभा, श्रृंगार सत सई, ठीक है। चलिए अब जो है अगले हमारे कौन से हैं, तो राम भक्ति शाखा के जो हमारे कवि हैं सबसे पहले हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में आपको बताने का जरूरत नहीं है कि इन्होंने क्या क्या लिखा है, चलिए ठीक है देख लेते हैं भैया। सबसे पहले इन्होंने लिखा रामचरितमानस, ठीक, क्या ये बताने की आवश्यकता थी? गीतावली, ठीक है, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली,
अगला है विनय पत्रिका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विनय पत्रिका। ठीक, अगला और आखिरी है जानकी मंगल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि राम भक्ति शाखा में जितने भी कवि होंगे उनका जो विषय वस्तु होगा वो श्री राम जी पर आधारित होगा। तो दोस्तों रामचरितमानस, गीतावली, ठीक है, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, ये सभी जो है उसी से रिलेटेड है। याद रखिएगा जहां पे वली आ जाए, जहां पे वली आ जाए, जहां पे वली आए, ठीक है, वहां पे जो है, यहाँ पे भी वली है, वहां पे क्या हो जाएगा आपका, तुलसीदास की जो है रचना हो जाएगी। ठीक है, चलिए, लेकिन अपवाद स्वरूप पदावली अब इसको मत तुलसीदास मान लीजिएगा, इसलिए जो है आपको देखना जरूरी है, याद करना आवश्यक है। चलिए अगले हमारे कौन है, ईश्वरदास। दोस्तों तुलसीदास ने अपनी रचनाओं को ब्रज और अवधि दोनों ही भाषा में जो है लिखा है, कभी कभी पूछ देता है तो याद कर लीजिएगा। ईश्वरदास कौन है भैया, अगले ईश्वरदास, ईश्वरदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, तो दोस्तों सबसे पहले जो रचना है इनका भरत मिलाप, भरत मिलाप, और फिर अगला है आपका सत्यवती कथा, सत्यवती कथा। ठीक है, अगले कौन है, विष्णुदास। विष्णुदास ने क्या लिखा है, तो दोस्तों रामायण कथा। क्या लिखा है विष्णुदास ने, रामायण कथा। नोट करते जाइएगा दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगला है रामानंद, रामानंद जी ने क्या लिखा है, तो राम रक्षा स्रोत। राम रक्षा स्रोत। इसी तरह से हमारा जो है आप देख पा रहे हैं कि राम भक्ति शाखा भी समाप्त होता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल। ईश्वरदास ने क्या लिखा है, तो भरत मिलाप, भरत जी का जो मिलाप है राम जी के साथ उस घटना का इन्होंने विवरण किया है, सत्यवती कथा। ठीक है, विष्णुदास ने रामायण कथा लिखा है, रामानंद, रामानंद यहाँ पे रामानंद ने क्या लिखा है, राम रक्षा स्रोत, राम रक्षा स्रोत। चलिए अब अगला हम देखते हैं, इसी के साथ ही हमारा जो आपका ये भक्ति काल है वो समाप्त होता है, क्योंकि निर्गुण काल को भी हमने देख लिया और अब जो है सगुण काल को भी देख लिया। ठीक है, सगुण भक्ति शाखा को भी, काव्य धारा को भी देख लिया, इसके साथ ही जो है हमारा भक्ति काल समाप्त होता है। अब हम देखते हैं रीति काल। दोस्तों बोर्ड पे आपको अब हेडिंग दिख रहा होगा रीति काल, रीति काल का जो समय है 1700 से लेकर के 1850 विक्रम संवत। दोस्तों रीति काल में जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शब्द है रीति, ठीक है, तो रीति काल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दोस्तों इस काल में जो है रस, अलंकार, गुड़, ध्वनि और नायिका भेद, ठीक है, गुड़, ध्वनि और नायिका भेद का जो है अधिक वर्णन हुआ, इसलिए जो है इस काल को रीति काल कहा गया है। अब ध्यान दीजिएगा जो रीति काल है ये जो है तीन प्रकार के हैं, ठीक है, इनको तीन भाग में जो है विभाजित किया गया है। पहला जो है वो है रीतिबद्ध, रीतिबद्ध कवि, ठीक, दूसरा हमारा है रीति सिद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, और तीसरा क्या है रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त कवि। ठीक है, अब चलिए इसके जो है बारी बारी करके रीतिबद्ध कवि को देखेंगे, फिर रीति सिद्ध और फिर रीति मुक्त कवियों को जो है देख करके रीति काल को भी हम समाप्त करते हैं। सबसे पहले आपका रीतिबद्ध कवि में जो है पहले जो आपके आते हैं रचनाकार वो है केशव दास। कौन है, केशव दास। केशव दास ने लिखा है भैया कवि प्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कवि प्रिया, ठीक। दूसरा है हमारा रामचंद्रिका, तीसरा है रसिक प्रिया। अब ध्यान दीजिएगा जहां पे प्रिया आ जाए, जहां पे प्रिया आ जाए केशव दास हो जाएंगे, ठीक है, रामचंद्रिका अलग से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले कौन से भैया, चिंतामणि। चिंतामणि ने कौन कौन सी रचनाएं लिखा है, तो काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश के बाद रस विलास, और फिर रामायण, और फिर इनका जो एक और इंपॉर्टेंट है वो है कृष्ण चरित, ठीक है। चलिए अगले हमारे मतीराम, रीतिबद्ध कवि में अगले कवि कौन है, मतीराम। मतीराम ने लिखा है रसराज और ललित ललाम,
ललित ललाम, ठीक है। अगले और आखिरी रीतिबद्ध कवियों में आखिरी जो है हमारे वो है सेनापति। सेनापति ने कवित रत्नाकर लिखा है, ठीक है, कवित रत्नाकर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचे कि मैं आपको फालतू में लिखा रहा हूं। ये आप जब एक बार देखे रहोगे और वहां पे जब आपको ऑप्शन दिखेगा तो बड़े ही आसानी से आप टिक कर दोगे, ठीक है। इसीलिए मैं जो है क्रम के हिसाब से लिखवा रहा हूं, अपने नोट्स में देख करके इसलिए मैं लिखवा रहा हूं क्रम के हिसाब से कि कहीं भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि आप सभी भी इसका जो है नोट्स बनाते चलिएगा। और यकीन मानिए जब आप नोट्स बनाएंगे और पेपर से पहले दो दिन अगर आपने देख लिया इसको तो आपके जो है चार क्वेश्चन पक्के, चार क्वेश्चन का मतलब कि आठ नंबर आपके जो है पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए जो है इस क्लास को बड़े ही अच्छे तरीके से जो है देखिएगा। अब यहाँ पे रीतिबद्ध कवियों में आपने देखा केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और सेनापति, इनकी रचनाओं को देख लिया। केशवदास ने लिखा है कवि प्रिया, रामचंद्र का रसिक प्रिया। चिंतामणि ने लिखा है काव्य प्रकाश, रसविलास, रामायण, कृष्णचरित। मतीराम ने लिखा है रसराज, ललित ललाम। सेनापति ने लिखा है कवित रत्नाकर, ठीक है। अब रीति सिद्ध कवियों को भी हम जो है देख करके जो हमारा रीति सिद्ध कवि है उसको भी हम समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले रीति सिद्ध कवि में जो हमारे रचनाकार हैं वो हैं आपके बिहारी। कौन है भैया? बिहारी, ठीक, बिहारी सतसई भी कहते हैं, लेकिन इनका जो नाम है वो है बिहारी और इनकी जो फेमस रचना है वो है सतसई। सतसई क्यों भैया? 700 दोहों का जो है क्या है समूह सतसई, ठीक है। सतसई मतलब का है, इसका मतलब है 700 दोहों का समूह। और आप जानते होंगे कि गागर में सागर जो है इन्हीं को कहा जाता है कि भैया इन्होंने जो है गागर में सागर भर दिया, ठीक है। चलिए अगले कौन है? तो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य एक महान राजा थे और उनकी जो रचनाएं थी वो थी बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी, और एक है आपका सिंहासन, सिंहासन द्वात्रिंशिका, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है? बेताल पच्चीसी का मतलब है पिशाचों की 25 कहानियां, ठीक है। अब सिंहासन द्वात्रिंशिका, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। सिंहासन द्वात्रिंशिका का मतलब है कि सिंहासन की 32 कहानियां, सिंहासन की 32 कहानियां, ठीक है। चलिए अगले कौन है? तो आपके हैं सेनापति। सेनापति, सेनापति की जो रचना है भैया कौन सी है? तो कवित रत्नाकर, कवित रत्नाकर, रसनिधि, ठीक है। एक और है काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सेनापति को आपने देखा अभी जो है रीतिबद्ध कवि में, कवियों की सूची में भी देखा, और सेनापति जो है आपके किसमें है? रीति सिद्ध कवियों में भी उपस्थित है, ठीक है। चलिए रसनिधि को देख लेते भैया। रसनिधि, रसनिधि इनका जो नाम था वो था पृथ्वी सिंह, ठीक है। इन्होंने लिखा है 12 मासी, इनका बस एक याद कर लीजिए, यही आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहारी जी का सतसई, विक्रमादित्य का बेताल पच्चीसी, और सेनापति का जो है कवित रत्नाकर, ठीक है, और रसनिधि का जो है 12 मासी भी पूछा जा सकता है। अगला हमारा रीति मुक्त कवि। चलिए रीति मुक्त कवियों में सबसे पहले जो हमारे रचनाकार है वो है शेख आलम। कौन है? शेख आलम। इन्होंने लिखा है सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र, और फिर श्याम स्नेही, श्याम स्नेही, और माधवानल, माधवानल का मकंदला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दोनों आप याद कर लो, ठीक है। सुदामा चरित्र, श्याम स्नेही, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घनानंद आप सभी जानते होंगे, एक महान राजा हुआ था, और घनानंद के समय में ही जो है सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है। घनानंद की जो रचनाएं है वो है सुजान, सागर, इश्कलता और विरह लीला, ठीक है।
चलिए अगले कौन है, बोधा, और इसके बाद हम ठाकुर जी की रचना को देख करके रीति मुक्त कवि को भी समाप्त करेंगे। बोधा ने लिखा है विरह बारिश, विरह बारिश, एक इश्कनामा। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि जो रीति काल है ना, इस समय जो है मुख्य रूप से श्रृंगार रस का जो है, श्रृंगार रस की जो है प्रधानता थी। ठीक है, श्रृंगार रस में आपका संयोग और वियोग दोनों ही जो है मौजूद था। ठीक है, 90% जो रचनाएं थी वो श्रृंगार रस की ही थी। ठीक है, चलिए ठाकुर, ठाकुर लिख दिया मैंने, यहां पे होगा ठाकुर। ठीक है, ठाकुर जी की जो रचना थी वो थी ठाकुर ठसक। ठीक, इसी के साथ ही हमारा जो है रीति मुक्त कवियों का भी जो है जितनी भी रचनाएं थी वो समाप्त होता है, और इसी के साथ हमारा रीति काल अंततः समाप्त होता है। अब हमारे तीन काल जो है समाप्त हो चुके हैं और मात्र चौथा काल यानी कि आधुनिक काल शेष रह गया है, आधुनिक काल। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि दोस्तों इसके बाहर से नहीं जाएगा, बस हाँ आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते जाना ताकि पेपर के एक दो दिन पहले आप देख सको। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि भैया आप एक दो पेज पे लिख करके लेके जाना, हो सकता है कि पेपर के सेंटर के बाहर भी आपको रिवाइज करने का मौका मिले, तो एक बार रिवाइज कर लेना। क्यों? क्योंकि भैया चार प्रश्न जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। पूछ देगा कि भैया स्वर्ण काल जो है किस काल को कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए भक्ति काल को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी आदि काल है उसको वीर गाथा काल क्यों कहते हैं। ऐसे ही पूछ सकता है कि आदि काल को और किस नाम से जानते हैं, तो वीर गाथा काल आपको पता होना चाहिए, तब तो आप आंसर बताओगे। तो इसी के साथ हमारा जो है रीति काल के साथ ही हमारा आज का जो ये वीडियो है ये समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम जो है आधुनिक काल को कवर करेंगे। आधुनिक काल में बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे लेखक और कवि हुए हैं जिनको की पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी रचनाएं जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से। तो एक और वीडियो लगेगा हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार, और उसी के साथ हमारा जो है समाप्त हो जाएगा यह टॉपिक। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।